सोयाबीन में पहली बार सीजन की सबसे बड़ी मंदी का सोमवार से श्री गणेश हो गया है। सोमवार वायदा में 6% मंदी का सर्किट लगता नजर आया था। करीब 402 रुपए की मंदी नजर आई थी। फिर भी उज्जैन मंडी में सुबह की नीलामी में सोयाबीन 100 रुपए ऊंची होकर 6400 तक बिकती नजर आई। दोपहर में भाव 6250 रुपए भी हो गए थे। दो दिन पूर्व तेजी वाले भाव पर प्लांटों को बड़ी गाड़ी बुक करने वालों ने 100 रुपए ऊंचे भाव की बोली लगाना शुरू कर दिया था। विवाह समारोह ज्यादा होने से मंडी में किसान उपज बेचने कम आ रहे हैं। दूसरी ओर मंदी की खबर से भी किसान रुक गए हैं। मंदी का बड़ा कारण कोरोना वायरस का खतरा और विदेशी DOC आयात सौदों का फाइनल होना बताया जा रहा है। देश के प्लांटों की DOC के भाव बुरी तरह से टूट जाएंगे। ऐसे में मंडी आवक का सोयाबीन भी सस्ता ही बिकेगा। 6300 और 6350 रुपए प्लांटों के बिल्टी भाव हो जाएंगे। इधर बीच में ऊंचे भाव का सोयाबीन ज्यादा डंप हो गया है। वायदा सट्टा मंदी के ग्राहकों पर तेजी लाकर खाली कर गया। तेजी में खरीदने वाले ग्राहकों को मंदी लाकर पूरी तरह खाली कर दिया। सट्टा इस बार सोयाबीन में गिने चुने लोगों को ही लाभ दे पाया है। किसानों का एक सूत्री कार्यक्रम बढ़ते भाव पर बेचेंगे कम भाव पर रोकेंगे। किसानों को एक बार फिर 10,000 रुपए के भाव की चाहत है। व्यापारी स्टॉक नाम मात्र का होने से व्यापारियों का सोयाबीन सीजन बिगड़ गया है। ना लाभ में कमा पाए और ना ही कम भाव में व्यापार कर पाए। सोयाबीन की तेजी रोकने के लिए राजस्थान में सोयाबीन पर स्टॉक सीमा तय कर दी गई है। अब सोयाबीन में एक और मंदी का सर्किट लगने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।